इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाले अमेरिका के इस दुस्साहसिक कदम ने आज 68 साल बाद भी परमाणु खतरे को नए सिरे से रेखांकित किया है। आज ही के दिन जापान के एक छोटे से शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था। इस बम की विषैली गैसों का प्रभाव हजारों वर्ग किलोमीटर तक फैल गया था। बम के विस्फोट से हजारों फारेनहाइट गर्मी पैदा हुई थी, जिसके प्रभाव से सब कुछ जलकर नष्ट हो गया था। परमाणु विकिरण की वजह से आज सालों बाद भी जापान में पैदा होने वाले लोग विकृतता और विकलांगता के शिकार हैं। लेकिन जापान ने साहस कर उठ खड़ा हुआ और आज एक शक्तिशाली देश के रूप में अपनी पहचान बना ली है। लेकिन अब भी ये सवाल दिलों में गौंद रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र सेनाओं की विजय और जर्मनी की हार निश्चित हो चुकी थी, ऐसे में इस नरसंहार की आखिर क्या जरूरत थी? क्या कारण था जो अमेरिका ने ये क्रूर कदम उठाया? खैर, सालों बीत जाने के बाद भी आज के परमाणु संपन्न देशों के पास 1945 के दूसरे विश्व युद्ध की तुलना में कई गुना अधिक मारक क्षमता की युद्ध सामग्री एकत्रित हो चुकी है। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों की तुलना में आज देशों ने उनसे 1,00,000 गुना अधिक शक्तिशाली बम बना लिए हैं। परमाणु बमों जैसे घातक बमों का जखीरा इन परमाणु संपन्न देशों के पास इतनी अधिक मात्रा में है कि उससे दुनिया को कई बार तबाह किया जा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज के दिन एक बार फिर इस बात पर विचार किया जाएगा कि आणविक पदार्थों का इस्तेमाल सिर्फ शांति के लिए ही किया जाना चाहिए, न कि हिंसा के लिए। असीम मिश्रा, DD News, दिल्ली।